फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया टीवी एस्ट्रो की स्पेशल प्रेजेंटेशन कमल नंदलाल का अंक भविष्यफल। अंक भविष्यफल में बात करेंगे मूलांक एक से लेकर मूलांक नौ तक के राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे आपके नाम के आधार पर आपका राशिफल बताएंगे, आपको मूलांक और नाम के आधार पर कुछ सिंपल से उपाय जो आपके लाइफ को सिंप्लीफाई बना देंगे, जानकारी देंगे शुभाशुभ की, बताएंगे क्या है आपके लिए शुभ और क्या है आपके लिए अशुभ। तो शुभ को अपनाना है और अशुभ को त्याग देना है, यही है सक्सेस मंत्रा। जानकारी देंगे सभी नाम और मूलांक वाले क्या करें और क्या ना करें, और प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे आपको नामांक स्पेशल उपाय और नामांक स्पेशल मंत्र, एक ऐसा मंत्र और उपाय जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर देगा, किसी खास समस्या को चुटकी में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के अंक भविष्यफल की शुभाशुभ के साथ में। तो दिन है रविवार का, तारीख है 28 जुलाई 2024, तिथि रहेगी अष्टमी, तिथि अंक रहेगा 8, नक्षत्र रहेगा अश्विनी, रविवार के दिन अश्विनी नक्षत्र बेहद खास, और नक्षत्र अंक रहेगा 1, मूलांक रहेगा दिन का 1 और भाग्यांक रहेगा 7, दिन का शुभ रंग रहेगा सिलेटी और अशुभ रंग रहेगा काला, शुभ दिशा रहेगी ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट और अशुभ दिशा रहेगी पश्चिम, तो इसलिए पश्चिम दिशा की ट्रैवल करने से बचें। दिन का सबसे अशुभ समय रहेगा शाम को 5:33 से लेकर के शाम में 7:14 तक, और दिन का सबसे शुभ समय रहेगा सुबह 9:45 से लेकर सुबह 11:47 तक। विशेष क्या है, श्रावण की अष्टमी है और इस दिन भगवान विश्वनाथ के पूजन का विधान है, बाबा विश्वनाथ देवादिदेव महादेव, और खास आप हमारा जो विशेष उपाय होगा वो भी भगवान विश्वनाथ यानी कि शिवलिंग से ही संबंधित है, उसकी पूरी जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं अंक भविष्यफल की मूलांक एक के साथ में। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 1/10/1928 तारीख को हुआ है या जिनका नाम AJS से शुरू होता है, गाड़ी चलाते समय अलर्ट रहें, कामकाज के लिए समय बेहतर है, रोजगार में प्रमोशन के योग हैं, उधार के लेन देन से बचें, उपाय क्या करें कि गाय को मीठी रोटी खिलाएं। मूलांक दो की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 2/11/20 या 29 तारीख को हुआ है या जिनका नाम BK या TC से शुरू होता है, रचनात्मक काम में रुचि बढ़ेगी, लंबित कामकाज पूरे होंगे, मानसिक परेशानी महसूस करेंगे, कारोबार में हानि के योग हैं, उपाय क्या करें कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। मूलांक तीन की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 3/12/21 या 30 तारीख को हुआ है या जिनका नाम CL या U से शुरू होता है, छात्रों के लिए समय बेहतर है, पिता की सलाह लाभदायक रहेगी, अध्यात्म में रुझान रहेगा, दाम्पत्य में मतभेद के योग हैं, उपाय ये करें कि तांबे के बर्तन में पानी पिएं। मूलांक चार की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 4/13/22 या 31 तारीख को हुआ है या जिनका नाम DM या B से शुरू होता है, भाषा और गुस्से पर संयम रखें, कारोबारी यात्राएं लाभकारी रहेंगी, जोखिम भरे कामकाज से बचें, आर्थिक खर्चों में वृद्धि होगी, उपाय ये करें कि भैरव मंदिर में दूध चढ़ाएं। मूलांक पाँच की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5/14 या 23 तारीख को हुआ है या जिनका नाम EN या W से शुरू होता है, कार्यक्षेत्र में उठा पटक रहेगी, बड़ा कारोबारी निर्णय लेने से बचें, पेट संबंधित रोग परेशान करेंगे, शाम परिवार के साथ में बिता पाएंगे, उपाय ये करें कि लाल मसूर की दाल जल प्रवाह करें। मूलांक छः की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 6/15 या 24 तारीख को हुआ है या जिनका नाम FO या X से शुरू होता है, नए कारोबारी प्लान्स बनाएंगे, संतान से कोई खुशखबरी मिलेगी, कारोबार में कड़ी मेहनत से बड़ा लाभ मिलेगा, हालांकि गले के रोग थोड़ा सा परेशान करेंगे, उपाय ये करें कि देवी लक्ष्मी की आराधना करें। मूलांक सात की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 7/16 या 25 तारीख को हुआ है या जिनका नाम GP या Y से शुरू होता है, अपने गुस्से पर काबू रखें, कार्यक्षेत्र की स्थिति तनावपूर्ण रहेगी, धन लाभ के योग हैं, दैनिक खर्चे बढ़ेंगे, कुमारों को विवाह प्रस्ताव मिलेंगे, उपाय ये करें कि श्वान की यानी कि कुत्ते की सेवा करें। मूलांक आठ की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 8/17 या 26 तारीख को हुआ है या जिनका नाम HQ या Z से शुरू होता है, प्रॉपर्टी में निवेश से बचें, भाई बहन से विवाद के योग हैं, आर्थिक क्षेत्र में हालांकि कुछ सुधार आएगा, करियर में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है, उपाय क्या करें कि मंदिर के बाहर मिठाई बांट दीजिए। मूलांक नौ की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 9/18 या 27 तारीख को हुआ है या जिनका नाम IR से शुरू होता है, अधूरे काम का समय पर निपटेंगे, परिजन प्रसन्न रहेंगे, ड्राइविंग करते समय सावधान रहें, धर्म कर्म में मन लगेगा, लंबी यात्रा पर जाने के योग हैं, उपाय ये करें कि गुड़ का सेवन करें। तो दोस्तों अब समय है ये जानने का कि सभी नाम और मूलांक वाले क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले बात करेंगे सफलता पाने के लिए क्या करें। देखिए खास दिन है, रविवार का दिन है, अष्टमी तिथि है और अश्विनी नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग कहते हैं इसे, और ऐसे में सावन का महीना है, तो ऐसे में विशेष रूप से भगवान विश्वनाथ यानी कि शिवलिंग के पूजन का विधान है जो संपूर्ण विश्व के नाथ है। तो क्या करें, आप शिवलिंग का पूजन करें, शिवलिंग पर शहद, रक्त चंदन, गुलाब के फूल, गुड़ आदि चढ़ाएं, सूर्य को अर्घ दें, अंजीर का सेवन करें, गेहूं मसाले दवाई खरीदना शुभ रहेगा, लाल कपड़े पहनना शुभ रहेगा, आंवला का पेड़ लगाना शुभ रहेगा, ईशान दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। अब बात कर लेते हैं असफलता से बचने के लिए क्या ना करें।
तो देखिए, ज़्यादा टेंशन ना लें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, काले कपड़े ना पहने, जीवन साथी की अवहेलना ना करें, नारियल का दान और उपयोग ना करें, तुलसी पत्र ना तोड़े, पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। तो दोस्तों, अब समय है आज के नामांक स्पेशल उपाय का, वो स्पेशल उपाय जो शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलवाएगा। खास दिन है रविवार का, अष्टमी तिथि, विशेष शिवलिंग के पूजन का विधान, सावन का महीना, तो ऐसे में क्या करें, शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कमल गट्टे पर थोड़ा सा शहद लगा लीजिए और उसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, देखिए सारे कष्ट शारीरिक दूर। बात करेंगे नामांक स्पेशल उपाय की, वो स्पेशल उपाय जो परेशानियों से मुक्ति दिलवाएगा। क्या करें आप, रुद्राक्ष की माला से ओम विश्वधाराय नमः इस मंत्र का जप करें, सारे परेशानियों निश्चित दूर होंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमस्कार।